हेलो। हेलो। हाँ कांचा, क्यों फोन किया यार? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी तो समझ में नहीं आ रहा। जब मैं तेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ तो बार बार कॉल क्यों कर रही है? एक बार में अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ तो बार बार कॉल मत करना प्लीज। लिया मैं बोलूँ आप मुझे तेरी कुछ बात ही नहीं सुननी। तू कुछ ना कुछ भड़काएगी, मुझे क्या पता नहीं है। तू बस उसके बारे में भड़काएगी, रिया के बारे में, और एक नए झूठ बोलेगी, कुछ ना कुछ बोलेगी। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, मैं तेरे कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ, प्लीज कॉल भी मत कर। सांस ले ले सांस ले ले सांस ले ले मेरी बात सुन। पहले तो सुना क्या नेट कह रहा डाउन है? कर अपना और मैंने एक चीज देखी वो देख। तो मुझे तेरी कोई चीज नहीं देखनी फालतू की। देख तेरी आगे कसम है जल्दी रहा हूँ, नेट रुक। डाउन कर और देख। ये क्या है आकांक्षा? रियलिटी है उसकी ये क्या फालतू का मजाक है? मजाक नहीं है। नहीं, जितने तुम फालतू का सपने क्या हो मजाक किया तूने? कहीं से भी पिक उठा के कुछ भी एडिट करके भेज दिया तूने। तो पागल है मैं एडिट तेरे अंदर करूंगी थोड़ी भी अब तमीज नहीं बची यार। तो पागल है मैं एडिट करूंगी पागल है बिल्कुल ही। तो अगर किसी नए सुन 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 ये प्लीज मेरी तू बात सुन कहना क्या मेरी चाहती है? बात सुन। रिया रिया शादीशुदा है? तू हाँ कहना ये चाहती वो है? है शादीशुदा। सुन मेरी बात सुन। अगर तू तुझे यकीन ना हो पागल तो हो उसके घर गई है जा। आकांक्षा, तू पागल हो मेरी गई है। किसी से झूठ बकी नहीं बोल बोल के सुनेगा तू पागल हो गई है। कहीं से भी कुछ पिक एडिट करा के तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है? किसी लड़की ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है और झूठ भी इतना बड़ा बोल रही है? हद है यार, तू पागल हो चुकी है क्या? बिल्कुल मेरी सुन लेगा। अगर तुझे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है अभी भी इतना ट्रस्ट ठीक क्या? से तू जानने बोल के क्या बाद। रही है? वो शादीशुदा है? अरे ठीक, कल ओके तक तू फाइन तू बोलती थी बोल उसके ले मैं और बोल भी बॉयफ्रेंड है नहीं और रही। बॉयफ्रेंड, आज तो बोल रही हो शादीशुदा है। क्योंकि सुन जितना शक तुझे लगा ना उतना मुझे भी लगा था जब मुझे पता चला। मैंने कहा यार ठीक है बॉयफ्रेंड का ठीक है ये बंदी मैरिड है और आकांक्षा तुझे यकीन नहीं है तो फिर घर जाके देख ले भाई। मैं खुद देख कर आई हूँ इसकी फोटोज समझ में मुझे आ रही यकीन है। नहीं हो और रहा। तुझे अगर किसी पे याद नहीं है किसी पे भरोसा नहीं है वंशिका का नंबर है तेरे पास नहीं नहीं। है ना। वंशिका याद है हमारे बैच में पढ़ती थी भाई वो उसकी उसकी शादी पे भी गई है वो उसकी शादी भी अटेंड करी है उसने। और बता मैं क्या प्रूफ दूँ तो मैं उसी के घर सब कुछ देख के आ रही हूँ। कांशा, ये पॉसिबल ही नहीं है यार, ये पॉसिबल ही नहीं है जो तू बोल रही है। कहीं से चल ठीक भी है मैं मान नहीं ठीक है सकता ये ओके बात ओके यार कि फाइन मतलब फाइन फाइन एक मिनट मैं शादीशुदा झूठी हूँ ना नहीं हो मैं सकती वो झूठी हूँ यार। मैं झूठी हूँ ना मैं झूठी हूँ ना। मुझे एक बात बता जब से रिलेशनशिप में आया वो तो से मिली एक बार भी नहीं। फिर फोन पे बात हुई है ना वीडियो कॉल हुई है आज तक। नहीं। तो क्यों सिर्फ उसे कॉल के बेस पर उसे जज कर रहा है और यकीन कर रहा है उस पर। उसने कभी अगर तू उसका क्रश भी था या जो भी था तू ठीक है उसने कभी तुझसे बैच में बात करी कोचिंग के टाइम पे बात करी कभी उसने बात नहीं करी किसी से और तू उसका क्रश बन गया। अकांक्षा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यार जो तू कह रही है वो तो कहीं से भी रियलिटी नहीं हो सकती। बिकॉज यार तुझे ठीक है, पता है मैं एक क्या जगह नहीं मान लूँ एक वो चल मिनट मुझे चीट कर रही है, बट सुन सुन वो मुझे नहीं यार पता शादीशुदा किसी कीमत पे देख नहीं हो सकता सुन ऐसा। मेरी बात सुन। मैं उस पर भी इल्जाम नहीं लगा रही हूँ लेकिन मैं एक चीज बोल रही हूँ मुझे नहीं पता कि वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है। शादीशुदा होने के बाद भी वो चक्कर चला रही है और मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे बात कर उससे पूछ कि कम से आकांक्षा कम तुझे धोखे में तो ना आकांक्षा रखे। प्लीज, तू खुद को सही साबित करने के लिए मत ओ गिर इतना सुन प्लीज आकांक्षा यार। मेरी बात सुन मेरी बात सुन। तुझे अगर ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं तुझसे कह रही हूँ मैं तुझे खुद वंशिका का नंबर देती हूँ चाहे तो तू उससे बात कर ले। उसको भी तूने बोल दिया होगा झूठ बोल? मैंने उससे ये सब नहीं बोला मैंने बस उससे बोला कि अच्छा उसकी शादी हो गई है बस मैंने इतना पूछा। उसने कहा हाँ देखी हाँ, उसने अपने उसको फोटोज तूने भड़का दिखाया। दिया होगा ना, वो भी झूठ बोलेगी यार। ओह माय गॉड आकांक्षा रियल में इतनी बड़ी बात क्यों छुपाएगी वो? और सिंपल सी एक बात पता, चल मुझे एक बात बता, अगर उसकी शादी हो चुकी है तो वो मेरे साथ रिलेशन में क्यों आएगी? तू खुद बता यही तो मुझे। तुझे पता करना है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो मैरिड होने के बावजूद वो शादी वो लोगों से चक्कर क्यों चला रही है और उसकी शादी अभी नहीं हुई है। पता है तुझे हमारा बैच जब जिस टाइम खत्म हुआ था उसके एक साल बाद उसकी शादी हो गई थी। तो सोच उसने मेरे बंदे के साथ उसने और भी लड़कों के साथ धोखा शादी के बाद किया है। पूछ तो सही आकांक्षा उससे ऐसा कैसे क्या उसकी हो मैं इस रही है। बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता यार, क्योंकि ठीक है अच्छा कल तक वो तू मान बोलती ली थी, तू उस पे इल्जाम लगाती थी जो कि हर लड़की करती है। इतना ठीक है, मैं मान लूं कि लड़कियां चीट करती हैं, लड़के चीट करते हैं, सारी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बट अब तू कह रही है उसकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद कोई बंदी, चल ठीक है मैं मानता हूँ कि चल वो चीट भी कर रही है, तो शादी के बाद कोई बंदी पैसे क्यों मांगेगी? उसको क्या मतलब शादी के बाद पैसों से यार? यार सोचना सोच उससे पूछ उसकी कोई मजबूरी होगी कुछ तो होगा उसके अंदर जो वो इतना बड़ा झूठ बोल रही है। देख मैं एक बात बोल रही हूँ मैं आज भी तुझे एक बात बोल रही हूँ मेरे मेरा बॉयफ्रेंड उसने बताया ठीक है। मैं उसके बाद भी आज भी सिर्फ एक चीज कह रही हूँ यार
अगर वो शादी के बाद ये सब कर रही है ना, उसकी जरूर कोई मजबूरी होगी। एक बार उससे बात करने, तुझे भड़का नहीं रही हूँ यार उसके बारे में। आकांक्षा, मुझे कुछ भी वो समझ ऐसा में क्यों नहीं कर आ रही रहा थी? मैं क्या करूं, मेरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं मुझे जानती यार। हूँ कि रिया ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि रिया इतनी भी गिरी हुई लड़की नहीं है यार कि वो शादीशुदा होने के बाद चक्कर चलाए। प्लीज उससे बात तो कर आकांक्षा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यार। होगा ये बात सच्ची ना, मैं उससे हर रिश्ता तोड़ दूंगा मैं। मुझे कुछ रिश्ते भी समझ में नहीं आ सुन रहा मैं मेरी क्या बात करूंगा सुन, यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पहले उससे पूछ, उसे साफ शांति से बात कर, उससे सच निकलवा, उसके बाद आकांक्षा उसकी एक बात जो ध्यान बात है रखियो, उसको ध्यान एक से बात समझ। मेरी ध्यान रखियो आकांक्षा, हाँ अगर तेरी बात झूठ निकली, मैंने सिर्फ तेरे से दोस्ती तोड़ी थी, लेकिन अगर ये तेरी बात झूठ निकली, मुझे नहीं पता मैं तेरे साथ क्या करूंगा। ओके इसीलिए फाइन, इसीलिए मैं एक पूछ सुन रहा सुन, हूं। मैं अगर झूठ बोलूं, तेरी मेरी दोस्ती खत्म, बिल्कुल खत्म, ठीक है फाइन। मैं अपनी दोस्ती खत्म दोस्ती, हो गई, लेकिन उससे आगे मैं क्योंकि क्या करूं सुन मुझे खुद नहीं पता। क्योंकि सुन क्योंकि मुझे पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ना, ये सच है, तुझे सच बता रही हूँ मैं तुझे। आकांक्षा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों करेगी ऐसा। और मैं तुझे और एक चीज बात बता, बोलूँ चल मुझे एक बात बता, 1 मिनट, तेरी बात क्या, मैंने मानी कि चल शादीशुदा है भाई, उसने मुझसे दिन में भी बातें की हैं, रात को भी बात की है। अगर वो शादीशुदा है तो उसका पति नहीं देखता होगा, और वो जॉब की कह रही है, तो फिर दिन में बात की है, रात में बात की है, दिन में रात में, भाई पति उस पति है वो, उसका चौकीदार नहीं है जो पूरा दिन अपनी बीवी के बगल में बैठ के उसकी निगरानी करेगा, ठीक है? या उसकी रात को ड्यूटी नहीं लगती है कि आपको जागना है, अपनी बीवी को देखते रहना है क्या, आपकी बीवी तो क्या कर अब रही है मैं क्या नहीं क्या कर करूं, रही है? सच कैसे पता लगवाऊं, मैं क्या करूं मुझे बता दे। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट उससे उससे जाके पूछूं बात तो कर। मुझे तो लगता नहीं वो हाँ सच बोलेगी। रियल ऐसा नहीं है उमन, वो इतनी भी बुरी नहीं है, मैं तुझे आज भी बोल रही में हूँ। जो इतने बॉयफ्रेंड बना लिए, जिसके ऊपर इल्जाम लगा दिया तूने, जो अब तू इल्जाम लगा रही है शादीशुदा है, वो इतनी बुरी नहीं होगी रियल में? तो देख सोच सुन समझ के मेरी बोल लिए बात उस, सुन, नहीं तू कुछ सोच समझ के बोल रही है। अगर तेरी ये बात सच है तो तुझे कुछ अंदाजा है वो कितना बड़ा चीट कर रही है मुझे, वो कितने बड़े चीट धोखे कर में रही रख है रही तो है वो। उससे पूछ नहीं ना, वो तू ऐसा थोड़ा क्यों भी कर रही सोच है? रही है बोलने से देख पहले? सुन सुन सुन, तू प्यार करता है वो बात है, मैं उसकी मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने जितना उसे कोचिंग टाइम पे बचाना है ना, वो ठीक है वो कर सकती है ये सब, लेकिन वो शादी होने के बाद चक्कर चलाए, या कोई ना कोई रीजन होगा यार उसका, पता कर वो। आकांक्षा कोई भी रीजन हो, लेकिन मैं सच आई बोल रहा हूं, नो दैट कि वो गलत कर रही है, अगर आई नो उसकी दैट वो शादी हो गलत कर चुकी है, रही है। अगर उसकी शादी हो चुकी है, मैं उससे हर एक रिश्ता तोड़ दूंगा, और मुझे पता नहीं मैं उसके साथ क्या करूंगा। नहीं कुछ भी सही नहीं होगा। वो अगर वो तेरी और शादीशुदा उसकी निकली, मर्जी है, अगर वो शादीशुदा निकली, मुझे नहीं पता मैं उसके साथ क्या करूंगा। ठीक है और वो अगर तेरी तेरी और बात उसकी झूठ निकली मर्जी तू सोच लियो। है, ठीक है ना? मैं कह रही हूँ ना, वो तेरी और उसकी मर्जी, बट मैं यही बोलूंगी कि शांति से उसे प्यार से बात करियो, तो ज्यादा हो सकता है तो सच बता दे, हर वक्त इल्जाम लगाना वो भी मैंने जरूरी नहीं है, उससे इतनी वो बार गलत पूछा, है। कोई बात है, कोई बात है, सुन उसने नहीं बताया, तो अब तुझे लगता है वो रियल में बता देगी अगर ये बात सच हुई कुछ? क्या पता बता दे, अब आकांक्षा तक तो बिल्कुल बॉयफ्रेंड होती, यार, अब तक तो बॉयफ्रेंड होगी निकल के आई थी, हो सकता है हस्बैंड की सुन के अभी बता दे, कुछ क्या समझ पता में है? नहीं आ रहा यार। पता है क्या है उमन, तू ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगा है उस पर, मैंने स्टार्टिंग से समझा था इतना ट्रस्ट मत कर उस पर, इतना ट्रस्ट मत कर, आकांक्षा किसी से प्यार करते हैं तो उसको वो ट्रस्ट नहीं करूं ये बता दे। इतना यार तुम मिले भी नहीं हो, सिर्फ कॉल पर ही इतना तो ट्रस्ट हो तू तो गया। ऐसे कर रही है, मिले भी नहीं हो यार, पहले से मैं उसको जानता था ना, कोचिंग के टाइम से जानता था, ऐसी बात तो है नहीं, कभी जानना नहीं है, पहचान नहीं है, देखा नहीं है। ओके फाइन सॉरी, ठीक है गलती मेरी है ना, कि मैं तुम्हें गलत करती हूँ, तुम लोगों को सच बताओ तो, तुम लोगों को प्रॉब्लम है यार। मुझे नहीं पता तू सच बता रही है, एक नया झूठ बोल रही है। आकांक्षा अगर ये झूठ हुआ तो तू सोच भी नहीं सकती इसका अंजाम क्या हुआ। मैं अब उसको कॉल कर रहा हूं, अगर ये बात तेरी झूठ निकली तो सोच लियो, फिर दोस्ती और तो अगर खत्म सच होगी। निकली ना, तो तू उमंग एक चीज याद रखियो कि यार दोस्त हमेशा झूठ नहीं बोलते, कभी तो सुन लिया कर यार, क्योंकि और स्टार्टिंग से। और तुझे दोस्त हमेशा अच्छे भी नहीं होते, ये बात तू भी समझती है। आकाश ने क्या किया था भूल गई ना तू? आकाश ने क्या किया था, वो भी तो दोस्त था, कहने गई वो बात मैं समझ रही तो थी, वो मैं भी उसकी दोस्त मना था नहीं ना, कर रही हूँ, कैसे उसने पीठ पे छुरा घोंपा था देखा था ना तूने, तभी मैं तो सिर्फ बस एक चीज बोल रही हूँ कि तो आंख ये बंद कैसे करके बोल ट्रस्ट सकते हैं मत दो कर किसी दोस्त पर। हाँ दोस्तों में आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लो, तो वो भी दोस्तों तो पे भी दोस्त मत कर, था। गर्लफ्रेंड पे भी मत कर, सिंपल ये ओके, तो कोई नहीं करना दोस्तों पे मत कर, लेकिन गर्लफ्रेंड पे भी मत कर, ठीक चल मैं तो बाद में कॉल करता हूँ यार, है? बाय। बाय।